तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को। गाइस कैसे आप सभी लोग, और एक नया वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही कमाल का, क्योंकि इसमें आपको वन प्लस का थीम तो नहीं मिलने वाला कि सैमसंग का थीम भी नहीं मिल रहा है, भाई साहब मिलने वाला है माइक्रोमैक्स का थीम। ठीक है, तो गाइस ये जो थीम है ना, हमने कभी हमारे चैनल के अंदर नहीं बनाया है। जैसे कि हमने वन प्लस का थीम बहुत सारा बनाया है, जैसे कि हमने सैमसंग का थीम बनाया था, इस तरह का थीम हमने पहली बार माइक्रोमैक्स का थीम बना रहे हैं। एंड ये जो थीम है बहुत ही कमाल का इंटरफेस के साथ आता है। बेसिकली इसमें आपको नया चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, नया लॉक स्क्रीन मिल जाता है, कुल मिला के एक बहुत ही कमाल का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है जब आप इसकी यूज़ करेंगे। एंड बेसिकली जो थीम है स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कस्टम यूआई देखने को नहीं मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो लेटेस्ट नोट का सीरीज़ है, जो देख सकते हो, मतलब माइक्रोमैक्स का IN Note 1, उसका थीम है गाइस। आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इस वीडियो को। दोस्तों पहले देख सकते हो उसका जो इंटरफेस है, कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन देख सकते हो, होम स्क्रीन देख सकते हो। एंड विजिट्स को आप सिंपल से KWGT से डाउनलोड करके आप यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे आइकॉन की, दोस्तों आइकॉन भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। स्टॉक एंड्रॉयड का आइकॉन्स मिल जाता है विथ मतलब स्क्वायर साइज का, जो बहुत ही आपको एक यूनिक सा लुक प्रोवाइड कर देता है अपनी फ़ोन के अंदर। बेसिकली इस थीम को आप यूज करेंगे। एंड मैं बता दूं गाइस, ये जो थीम का साइज़ है बहुत ही लाइट वेट है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, 20-30 MB का नहीं है, जो आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली आप भी उसको बहुत ही अच्छा तरीके से डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे एफिशिएंसी से। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस पैनल की, तो नोटिफिकेशंस पैनल कुछ इस तरह का ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है। उससे पहले मैं आपको बात कर रहा था लॉक स्क्रीन की, क्योंकि दोस्तों लॉक स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह कुछ आपको क्लॉक देखने को मिल जाता है, इस तरह कुछ आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। एंड चार्जिंग एनिमेशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस बात करते हैं चार्जिंग एनिमेशंस की, तो सिंपल से मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा देता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह कुछ आपको चार्जिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर, जो बहुत ही कमाल का आपको एक नया रिफ्रेश से चार्जिंग एनिमेशंस प्रोवाइड कर देता है आप मैंने रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर। इस थीम को यूज करेंगे तो एक नया चार्जिंग एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चार्जिंग एनिमेशंस मिल जाता है। तो मैं सिंपल से उसको अनप्लॉग कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह कुछ आपके इंटरफेस तो आपने देख लिया है लॉक स्क्रीन के अंदर। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशंस पैनल जो बाकी रहा था। तो गाइज इस तरह कुछ आपको ग्रेडियंट का नोटिफिकेशंस मिल जाता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर जाता है अपनी रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के लिए। बेसिकली एक स्टॉक एंड्रॉयड का स्क्वायर साइज़ का आपको यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशंस पैनल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पैनल की, गई सेटिंग्स पैनल आपको इस तरह कुछ आपको मिल जाता है। ऊपर आपको माइक्रोमैक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, एंड नीचे आपको स्टॉक एंड्रॉयड का यहाँ पे जो आइकन्स होता है वही एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लुक प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि एंड्रॉयड का जो थीम है ना, मतलब माइक्रोमैक्स का, वही स्टॉक एंड्रॉयड ही है अभी जो लेटेस्ट आ रहा है, और इस तरह कुछ कस्टम यूआई वगैरह तो है नहीं। इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है। एंड आपने तो देख लिया होगा इसका इंटरफेस। चलिए बात करते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर की। जी हाँ दोस्तों, मैंने फाइल मैनेजर भी मॉडिफिकेशंस किया है थोड़ा बहुत, एंड स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही जो माइक्रोमैक्स के लिए सूट करे। तो बेसिकली इस तरह कुछ आपको फाइल मैनेजर का लोगो मतलब आइकॉन्स वगैरह देखने को मिल जाता है। आप इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे अदर आइकॉन्स की, तो उसका अदर आइकॉन कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह इस तरह कुछ आपको शो हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस थीम को कैसा डाउनलोड करते हैं एंड उसको कैसे यूज करते हैं अपने रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर। बेसिकली दोस्तों आपको यदि पता नहीं है थीम को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड बेसिकली आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का, आप वहाँ पे क्लिक करके आपके जो वर्जन के हिसाब से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको फाइल किस तरह का मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज आपको फाइल कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, एक्चुअली इस तरह का कुछ माइक्रोमैक्स नोट इन नोट वन कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा फाइल। तो सिंपल से 10 MB का कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सिंपल से उसमें क्लिक करोगे तो उसका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इस तरह कुछ आपको होम स्क्रीन, एंड इस तरह कुछ आपको लॉक स्क्रीन, इस तरह का कुछ आपको आइकन, नोटिफिकेशन पैनल, सेटिंग्स पैनल, फाइल मैनेजर वगैरह तो इस तरह का देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। गाइज कॉपीराइट इशू जो भी होता है एंड ऑल स्टॉप जो यहाँ पे रूल्स वगैरह लिखा गया है उसको चेकआउट एक बार कर लेना। एंड सिंपल से उसमें जाना है एंड उसको ट्राई आउट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस थीम के अंदर ट्राई आउट में हम क्लिक करेंगे, ये जो थीम है अपना 5 मिनट्स के लिए अप्लाई हो जाएगा एंड उसको मतलब
प्रॉपर यूज करने के लिए टेम्प्रेरी को मतलब यू नो जो परमानेंटली यूज करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे जाना होगा आईमोड प्रो में। तो आईमोड प्रो में सिंपल से उसमें जाओगे, क्लिक करोगे एंड आपको जो थीम है 5 मिनट्स का जो ट्रायल था वो बाईपास हो उसको रिमूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से मैं आईमोड प्रो जाता हूँ। आईमोड कहाँ गया अपना, तो इस तरह कुछ आपको आईमोड प्रो देखने को मिल जाएगा। एंड सिंपल से आपको उसमें जाना है, ऊपर में जो ब्लू कलर का बटन है ऊपर में जाना है, क्लिक करेंगे एंड ये जो थीम है पॉपअप हो चुका है एंड आपका जो थीम है 5 मिनट्स का यू नो जो ट्रायल था यहाँ पे मोर रिमूव्ड हो चुका है गाइज। ओके, यहाँ पे आप इस थीम को यूज कर पाएंगे, परमानेंटली कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा गाइज। होप वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भी प्रॉब्लम्स था, जो भी इशू था, आप यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू नो कमेंट बॉक्स में, सॉरी गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बता दिया है। एंड टेलीग्राम में मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो आप, वहाँ पे भी मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू हुआ। एंड इस थीम के अंदर आप लाइब्रेरी यूज़ कर पाएंगे होम स्क्रीन के अंदर बेसिकली। तो गाइज बस वीडियो में इतना था, मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थीम भी आपको पसंद आया तो कमेंट करें, फिर शेयर करें एंड आपका फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग अमेजिंग वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।